हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। देखिए गाइस, आलू मन पसंदा कितना प्यारा और कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। इसे आप पिज्जा भी बोल सकते हैं, आप समोसे भी बोल सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी। एक हम आपको उठाकर भी दिखाते हैं। ये देखिए इसकी गाइस स्टफिंग, कितना प्यारा नाश्ता बनेगा। और ये हेल्दी तो इतना है कि बता नहीं सकते। और इस नाश्ते को खा करके बच्चे पिज्जा बर्गर ये सब चीजें भूल जाएंगे। तो आज की हमारी ये रेसिपी प्लीज आप लोग देखिए पूरी। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मन पसंदा। वैसे तो ये मन पसंदा जो बनता है वो मीठा बनता है, ट्रेडिशनल रेसिपी मीठी की है। बट आज हम नमकीन नाश्ता भी बनाएंगे। तो ये कटोरी हमने लिया मैदा, तो इसको स्ट्रेनर से छान लेंगे। देखिए छाने से दो एक होती बातें हैं, जैसे कि कोई हमारी इम्प्योरिटी है वो भी निकल जाएगी और इसके जो गुठलियां होती हैं मैदे वगैरह में पड़ जाती हैं वो भी निकल जाएंगी। तो छानना बहुत जरूरी है। ये गाइस हम मैदे से बना रहे हैं, इस वजह से ये देखिए हमने थोड़ी सी अजवाइन ली है, हमने पिसी हुई अजवाइन डाली है। आप चाहें तो आप उसे खड़ी अजवाइन भी डाल सकते हैं थोड़ा सा मसल के। ये देखिए गाइस टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें स्टफिंग इसके अंदर जो करनी है तो उसमें भी हमें नमक डालना है, ठीक है। तो उसको अब हम ऐसे रख देंगे, डालते हैं। ये देखिए बिल्कुल 2 से 3 पिंच बेकिंग पाउडर, क्योंकि हमें इसे बेक करना है, ठीक है। बस देखिए गाइस 1 स्पून घी खाली हमें ऐड करना है, इसमें ज्यादा नहीं ऐड करना है। ये देखिए गाइस इसको ये घी है ये सारा मिला लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये हम नमकीन बना रहे हैं, अगर आप मीठा बनाए तो आप मीठा भी बना सकते हैं, लेकिन इस टाइम हम नमकीन बना रहे हैं। और एक बात गाइस, हमने घी मेल्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि इस समय गर्मी है, इस वजह से अगर आप ठंड में बनाते हैं तो प्लीज घी मेल्ट कर ही ऐड करें, ठीक है। ये देखिए गाइस ये 1 कटोरी पानी लिया है, इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसको टाइट डो लगाएंगे इसका, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से। ये देखिए गाइस डो लगकर तैयार है, बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं, ठीक है। तो इसको अब हम रख देंगे और चलिए चलते हैं स्टफिंग बनाते हैं। देखिए गाइस डो लगाने में लगभग 5 से 6 स्पून पानी ही लगा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। हाफ कटोरी से भी ज्यादा पानी बचा है, तो इसको अलग हटाते हैं। और अब देखिए गाइस उसकी आलू की स्टफिंग बनाने के लिए ये हमने कुछ सब्जियां ली हुई है, वेजिटेबल्स। 1 आलू चॉप कर लिया है अच्छे से पतला पतला, थोड़ी सी पालक 2 स्पून, 2 स्पून हमारी बीन्स, 1 मीडियम साइज प्याज, 1 छोटा सा हरा मिर्च, ये देख सकते हैं, ये 1 ही अदरक का टुकड़ा, 1 टमाटर मीडियम साइज का। तो चलिए बनाते हैं। देखिए गाइस हमने अपनी एक पैन चढ़ा लिया है, ठीक है, उसमें हमने 2 स्पून ऑयल डाला है और अब इसे गरम करेंगे। ये देखिए गाइस लगभग 1/2 टीस्पून हमारा जीरा है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें। और 1/2 टीस्पून अजवाइन है, इसको हम ऐसे मसल के ऐड करेंगे, इससे खुशबू अच्छी आएगी। अब ये देखिए गाइस प्याज अदरक ये दिख रहा होगा और ये मिर्च, इसको हम भून लेंगे, इसमें डाल के हल्का सा सोटे करेंगे। ये देखिए गाइस प्याज हमारा हो गया है, तो इसमें अब हम टमाटर ऐड करेंगे, ठीक है। और इसमें हम आलू ऐड करेंगे। सब्जियों को हल्का पकाना है जिससे कि उनका क्रंच बना रहे। ये देखिए अब इसमें हम बीन्स अपनी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम हल्दी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर रंग के लिए, आप अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस और कोई मसाले नहीं ऐड करेंगे। अब इसमें मिक्स कर देंगे इसको और अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। ये देख सकते हैं गाइस वही सॉल्ट है जो हमने बनाया था, इसका भी इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। इसको हमें ऐड करने के बाद में थोड़ा सा चलाना है और फ्लेम को धीमा करना है, और धीमा करने के बाद में ऐसे ही पकने देना है, इसमें पानी नहीं लगाना है, ठीक है गाइस। अगर आपको जरूरत ना लगे पानी की तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गीला नहीं होना चाहिए। बट हम थोड़ा सा 1 स्पून पानी, सिर्फ 1 स्पून ऐड कर रहे हैं, जिससे कि हमारी सब्जियां थोड़ा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा क्रंच बना रहे सब्जियों का, लेकिन हाँ ये जो आलू है वो हमारे पक जाने चाहिए, इसलिए हमें 1 स्पून पानी
ऐड किया हुआ, इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे। देखिए गाइस, दो मिनट हुआ है, हमारी जो स्टफिंग है बनकर रेडी है। देखिए ऐसे कट तोड़, इससे तोड़ने से टूट रही है अच्छे से, ठीक है, मगर अभी थोड़ा सा सख्त है, इसको तोड़ रहा है तो टूट तो रहा है लेकिन सख्त है। तो इसमें आप डालेंगे हम अपना ये पालक, ठीक है, आपके पास धनिया हो तो आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये इसको आप हम एक मिनट, एक सेकंड के लिए सिर्फ इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए हमने गैस की फ्लेम भी बंद कर दी है और पालक डालने के बाद इसको हम ऐसे ही बंद कर देंगे, गैस की फ्लेम बंद करके तब पालक हमने ऐड करी है। ये देखिए गैस, एक मिनट हो चुका है, अब इस हम स्टफिंग को बाहर प्लेट पर निकाल लेंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए, ठीक है। ये देखिए गाइस, इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून, मगर याद रहे चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए नमक हिसाब से ऐड करें। और अब इसको हम मिक्स करके बिल्कुल, और अब इसको हम अलग निकाल देंगे प्लेट में जिससे ये ठंडा हो जाए। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, तो सारा निकालते हैं। देखिए गाइस, जब तक स्टफिंग ठंडी होती है तब तक हम अपना ये देख लेते हैं आटा डो। देखिए गाइस, दो हिस्सों में हमने कर लिया है, ठीक है, एक थोड़ा सा बड़ा है यानी थोड़ी सी बड़ी लोई काटी है, एक थोड़ा सा छोटा काटा है। तो पहले हम छोटा को ऐसे गोल करते हुए राउंड राउंड बेल लेंगे जैसे कि हम रोटियां बेलते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से करते हुए बेलेंगे, ठीक है, अच्छे से। अगर आपका चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा आटा, सूखा आटा स्प्रेड कर सकते हैं, बट हम नहीं स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बढ़ा लेंगे और ये देखिए गाइस, इसको हमने थोड़ा सा छोटा बेलकर रेडी कर लिया और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, अब ये दूसरा बड़ा वाला जो लेंगे, वो जो पहला वाला जो हमने बेला था उससे हम इसको बड़ा बेलेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही बेल देंगे गाइस, हमने बेल लिया है इसको, ठीक है। तो अब हम अपनी स्टफिंग आलू की इसी पर रख देंगे, फैला लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, अच्छे से फैलाएंगे। बस थोड़ा सा ये थोड़ा सा थोड़े में छोड़ छोड़ के हमें इसे फैलाना है। ये देखिए गाइस, हमने इसको अच्छे से कर लिया। अब हम अपनी ये जो दूसरी छोटी लोई है इसको इसके ऊपर हम अच्छे से खींच के ऐसे अच्छे से हमें चिपकाना है, ठीक है। हम इसको फिलहाल बेक करेंगे और आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई पसंद, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से खींचते हुए इसको हम थोड़ा सा, ये देखिए अच्छे से चिपक गया है। और जो इसकी ये उलट के परत है इसको हम ऐसे ही करते हुए थोड़ी छोटी छोटी प्लेट दे देंगे और इसको ऐसे ही चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये बहुत टेस्टी नाश्ता बनेगा। आप इसको समोसा भी बोल सकते हैं, आप इसको पिज्जा भी बोल सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत यम्मी बनता है, ठीक है। अब इस तरह से हाथ का प्रेस देते हुए अच्छे से चिपका देंगे इसमें, ठीक है। ये देखिए बंद हो गया। चलिए अब हमने अपनी कढ़ाई रखी है प्रीहीट होने के लिए, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए गाइस, हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया है, ठीक है। आप चाहें तो जैसे केक को बेक करते हैं प्लेट या उस पर रख करके स्टैंड पर, आप वैसे भी बेक कर सकते हैं, डायरेक्ट नमक पर रखकर प्लेट बेक कर सकते हैं, बट हम एकदम डायरेक्ट बेक करेंगे, ठीक है। अपने थोड़ा सा ऑयल लगाया, ये देखिए, अब इसमें हम अपना आलू मनपसंद रखेंगे। देखिए हमने इसको रख दिया, इसको हम ढक देंगे और इसकी फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और लगभग उसको 15 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। देखिए गाइस, 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये ऊपर ड्राई ड्राई लग रहा है, तो इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, हल्का सा ऑयल लगा देंगे, ठीक है, और फिर इसको टर्न करेंगे और आप देखिएगा अभी कि कितना सा अच्छा सा बनेगा। अच्छे से घी लगा दिया दूसरी तरफ भी और इसको हम ऐसे अच्छे से करके पलट देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छे से कुक हुआ है, ठीक है। और इधर भी वही प्रोसेस है कि हम इसे 15 मिनट तक करेंगे कुक। ये देखिए आप, थोड़ा सा इधर ड्राई ड्राई लग रहा होगा तो इसको भी हम अच्छे से कर देंगे ग्रीस ऑयल से, देख सकते हैं।
और इसको याद रहे गाइस कि इसको बिल्कुल स्लिम बिल्कुल सिम गैस पर यानी बिल्कुल धीमी गैस पर ही पकाना है। ये देखिए गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से फूला हुआ है ये हमारा, देख सकते हैं। तो इसको फिर से पलट कर इधर भी देख लेंगे कि इधर अच्छे से पक गया है, कुक हुआ कि नहीं, ये देखिए इधर भी कुक हो गया है, ठीक है। तो इसको 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे जिससे थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। देखिए गाइस 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद में इसको अभी इसी में रहने देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर निकाल कर रखेंगे। ये देखिए गाइस बन चुका है हमारा पिज्जा या आलू का आलू पिज्जा या आलू मनपसंद आप कुछ भी इसे कह सकते हैं। तो इसे कट करके दिखाते हैं कितना क्रिस्पी और कितना बिल्कुल यम्मी है, कितना फूला था देख सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसको कट करते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस कितना अच्छा और कितना यम्मी लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। इसकी स्टफिंग देखिए कितना अच्छे से है और गर्म भी है, कितना प्यारा। अगर ऐसे आप बच्चों को बना के देंगे ना तो पिज्जा बर्गर सब कुछ भूल जाएंगे। तो आज की हमारी ये रेसिपी आलू मनपसंदा या फिर आप इसको पिज्जा भी बोल सकते हैं, समोसे भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, बहुत प्यारा नाश्ता है। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।